गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। ये लोग हमारा वीडियो ना बना दे, हल्ला कर लें। चुप ले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एकदम हम हो ना सके ना, एकदम कहे भूखे लोग। बहन जी बोरे, बहन जी भूख ली है। हां सब बोले, हम भी ये बोले वाला रे। आए तू सब बोली मत ना, सब बोले वो सब बोले भाई। ज्योतिया भूखे लो बेटवा कदी तैयार बा। और चाचा जी तो कितना माने ना, चाचा तो हमारे बाप के जैसे ना करे ना। ना तो मानले के बात ना है, जे एको तीज रहे ना तो मेटपल में रहे। आ एक पापा तो बाप रहे या तू ये खाते कितना ज्योतिया पर कितना हल्ला करे ना, ना भूखे देना कितना हल्ला करना, तबीयत खराब हो गई। मतलब चाचा के ना चाहे तो उनका लंबा उम्र हो को डाइटिंग करेंगे। सब आस पास को मेरा हौसला सा ना ना सुनो सुनो हमको चला सुनो जितिया का हमको बोल देगा बेटा बेटी कोई मुसीबत नहीं है, भूत पिशाच कोई चीज से बने कोई सब कर से बने तू हो जाला। सुनने है कहानी वो से भूखल जा, पर भूख रहने कहानी ना बता ले लो। इतना तो सोच नहीं का सुनिया ना, तो कूद कूद तो मीट बैठे कहां के मंदिर में जाना था। भसान के दिन मछली मुझ खाइए तो भसान करे के गालिया कुलाई ना खाके तो अंडा खाके तो पूजा ना करे के तो मतलब संपत्ति भर ले अंडा अंडा खा के अरे जिया जी नमस्ते। आज मेरे चार धाम यात्रा से आए पूरे। कल मम्मी अपन बहन के चक्कर में बोल मेरी बहन है हम भी आम लाते बार बोल रहे। इतना देर से इंतजार करते रहे, चुप हो गई उसके बाद। मीरा जी के फोन करम कॉलर उनके नहीं है, कर ले बुलाइए गए। यार आज मेरे चार धाम यात्रा से आए लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं। आज मेरे चार धाम यात्रा से सही सलामत घर आने की खुशी में घर में सत्यनारायण पूजा की कथा। मैं अभी सुबह के लगभग 10 बजने वाले हैं, नहा धो के एकदम से फर्स्ट क्लास हो चुका हूँ। और मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं और घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं अभी, तो एक एक करके मैं आप सबसे मिलवाऊँगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे। मैं जब उत्तराखंड में था वहाँ पे इतनी सही वेदर था, इतना सही लग रहा था। मैं बस घर चलाया, बस इनके लिए चलाया। ये मेरी प्यारी दीदी है। हेलो। कोई इज्जत नहीं क्या? दीदी भी कल चली जाएगी। दीदी 6 महीने बाद छुट्टी पे आई थी, तो मेरा भी लगभग यात्रा खत्म हो चुका था। बात करो ले, 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 बात करो ले,
बुआ की शादी के बाद से खाली शादी ही शादी सुन ली। सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्याद्धयवरतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिशं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जगन्निशमङ्गलकरणम् अकरोत्। गोल लगने से हाथ कब है ना? नाम क्या है तुअर? नाम क्या है तुअर? रितेश कोइरी। हाँ? रितेश कोइरी। रितेश कोइरी। दोस्तों हमारी दीदी आ गई है और दीदी के यहाँ पे बैठी है और ये बाबू है। बाबू इधर आओ। हमको पहचाने ला कौन है हम? मामा का नाम आता है? हाँ पिए थे बेचारा क्या मुखो में डाल के पूछे थे का नाम है तू? चला एक बार तुम के लिए चला जेबो कहाँ कहाँ से घूमने जाने का बर्फीला देश से बर्फीला अब कि तुम के लिए चलम चल पे या अगरबत्ती चलो बगन बात करते हैं लेकिन यह नहीं सोचा कि क्या करने से इन लोगों का दुख दूर होगा। तो नारद जी का कि अपने आराध्य भगवान विष्णु के पास विष्णु पहुँचे जहाँ शंख चक्र गदा और वनमाला के मान लिये नारायण के वहाँ पहुँच कर नारद जी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले हे प्रभु न आपका आदि है न अंत है न मध्य है ऐसे निर्मा स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। तब भगवान विष्णु बोले कि हे नारद तुम्हारा मुखमंडल देख लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न चल रहा है इसको क्या जानने के लिए आए हो? नारद जी कहे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं यानी दूसरे की मन की बात जान लेने वाले हैं फिर भी पूछते हैं तो सुनिए मैं अनेक लोकों में घूमते हुए धरती पे गया हूँ तो क्या देखा हूँ वहाँ जीव अनेक योनि में उत्पन्न होकर तरह तरह के दुख पा रहे हैं कष्ट पा रहे हैं प्रभु उन लोगों का कल्याण कैसे होगा यही जानने के लिए मैं आपके पास। तब भगवान श्री विष्णु बोले कि हे नारद समस्त जनों के कृपा करके हे नारद श्री सत्य नारायण का व्रत करता है जिसको करने से मनुष्य को रोग शोक का नाश धन धान की वृद्धि संतति की प्राप्ति और हर जगह विजय की प्राप्ति होती है। तब नारद जी बोले प्रभु आपने नाम बता दिया कि श्री सत्य नारायण भगवान की व्रत कथा करने से यह फल की प्राप्ति होता है लेकिन ये बताइए आप पूजा का विधि विधान क्या है कब करना चाहिए कौन सा विधान से करना चाहिए तो कहिए और पूर्व में यानी पहले किसी ने किया भी है। ओम भू स्वाहा स्वाहा ओम भुआ स्वाहा स्वाहा ओम स्व स्वाहा स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा स्वाहा ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा स्वाहा ओम भवाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम बुद्धाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा स्वाहा श्री सत्यनारायण नमः स्वाहा।
अरे उना रे जोर जाई फोड़ ना ना ये लगा लगा चंदा देख दे गिरी एक गति को नया बांस काटे पड़ी ना बाबा हम भाई खाटू श्याम से लेके आए रहे राजस्थान तो लगा तो हां तो तू एक पूजा कर दा हां तो पूजा ना हो ना होदा पूजा कर के पूजा लूंगा हो गई ना खाली लगा दिए खाली वो बाद में चाहे लगा दिया अच्छा हनुमान जी कैसे नया झंडी रही तो ऊपर उनका पूजा करके लगा हुआ अच्छा अच्छा खाटू वाले श्याम को पूजा हो गया वाले दुर्गा माई की पूजा हो गया वाले ले आ दिया ली ना हर लोग मैं पैसा रख के आप की दूंगा दूंगा तो ले आंख में लगा आंख में पूजा होके खत्म हो चुका है यहाँ हम प्रसाद काट रहे हैं जितने भी लोग आए हैं सबको प्रसाद देंगे दीदी यहाँ पे कुछ काट रही है मैं यहाँ पे अनार छील रहा हूँ अनार का कलर देखो सेव काट के रखा है भाभी पोलोथीन एक मिनट रुक लीजिए आगे खोल दी ना अच्छा से जो पकड़ लो हो गए रुको पोलोथीन ले जाओ थे यहाँ एक दो को दादी बैठा बैठा लिया होती एक मिनट आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं करता हूँ मुझे पता है कि ब्लॉग यहाँ तक बहुत कम लोगों ने देखा होगा क्योंकि लोगों को लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही होगी इसको मैं बस एक मेमोरी के थ्रू रिकॉर्ड करके रखना चाहता था तो बस इसी कारण मैंने इसे अपलोड करा है मेरा मन था जब मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँगा तो कथा कराऊँगा आज ये कथा भी संपूर्ण हो चुका है मुझे बहुत खुशी हो रही है खैर आज की ब्लॉग की समाप्ति मैं यही करता हूँ मैं मिलूँगा आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बी हैप्पी बी यंग लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम चिक चिक बम राधे राधे हरे महादेव आज बारिश हो रही है अच्छा लग रहा है।